अरे हाथ जोड़ प्रणाम करे अरे ये राधा सुतदानी अरे माता कह के बोल लाडले समझ ना आता दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा गल जा जाता दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा गल जा जाता और सर नीचा क्यों कर रखा री हेरी री 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 कौन है मेरे पिता कौन है मुझे अच्छे से पता है अच्छे से पता है हाँ। तो मैं नहीं पता तो मैं बताता हूँ मेरी माँ कौन है मेरे पिता कौन है कौन है सुनिए सुनाइए पिता अतिरथ है मेरे पिता अतिरथ है मेरे राधे ने गोद खिलाया ठुकराया कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बिछवाया कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बिछवाया तेरे जैसी आज तलक रही तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी माता माता
लाहौर में तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ। तुमने मुझे 9 महीने गर्भ में रख करके जन्म दिया। हाँ। और क्या कहा तुमने कि कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। क्या एक माँ का यही कर्तव्य और फर्ज होता है कि बेटा बेटी को 9 महीने गर्भ में रखे और खून से सींच करके जन्म देकर के गंगा नदी में बहा दे। नहीं बेटा करण। फिर तुमने क्यों किया ऐसा कर्म? क्योंकि उसमें मेरी मजबूरी थी। तुम्हारी मजबूरी थी? हाँ। इसका मतलब 9 महीने गर्भ में रखना तुम्हारी मजबूरी थी, खून से सींच करके जन्म देना तुम्हारी मजबूरी थी, गंगा नदी में बहा देना तुम्हारी मजबूरी थी। इतने दिन के बाद आकर के ये सारी बातों को मुझे बताना, मैं समझता हूँ कुंती, मैं समझता हूँ महारानी कुंती, आज भी कोई ना कोई तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मजबूरी हो। नहीं बेटा करण, आज कोई मजबूरी नहीं है, आज तो मैं सिर्फ अपने बेटे से बात करने आई हूँ। तुम बेटे से बात करने नहीं आई हो? तो तुम कोई ना कोई मतलब सिद्ध करने के लिए आई हो? नहीं बेटा करण, तुम्हारी बातें सुन सुन करके मेरे दिल पर चोट सी लगी है कि सुन के तेरी बातें मेरे जीते जी पे क्या बनगी, कि सुन के सारी बातें तेरी मेरे जीते जी पे क्या बनगी, तो मतलब कारण बेटे खानी आज करण की माँ बनगी। ना बेटा करण, ऐसा नहीं है। 9 महीने तक रखा गर्भ में तेने पाया कष्ट बतेरारी, 9 महीने तक रखा गर्भ में तेने पाया कष्ट बतेरारी, तेने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरारी, और जा मैं तेरे लेके वह दिन मर गया जब ठा गंगा में गिरा रही, जब ठा गंगा में गिरा रही। नहीं बेटा करण, ऐसे बोल मत बोल, मैं क्योंकि तेरी माँ लगती हूँ। तुम माँ नहीं हो? तो तुम मतलब खातर इस रिश्ते ने, मतलब खातर इस रिश्ते ने याद दिलावन आई, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज बनावन आई, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज बनावन आई। मेरे दिल पे चीरा देते, मेरे दिल पे चीरा देते नमक लगावन आई। पाचो पांडव भाई तेरे तननू समझावन आई, परेशानी माता के बोले लाडले खटके से तेरी वाली, माता के बोले लाडले चले से तेरी वाली। उस दिन की ना बनी मैं जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। मुझे लगता है कि मेरे परम मित्र यार दुर्योधन ने मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दिया, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं रास नहीं आया। ऐसा नहीं है बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। एक माँ तो सिर्फ अपने बेटे को ये राज बताने आई है जो आज तक मैंने छुपा के रखा। सूर्य निकलने से पहले कोई राज बताने नहीं आता मुझे, सूर्य निकलने से पहले तो कोई मतलब सिद्ध करने के लिए आता है और कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है। ना बेटा, तुम कुछ ना कुछ मांगने के लिए आई हो, जरूर मांगने के लिए आई हो मैं कहता हूँ, चाहे कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारे शब्दों में स्वर था। बेटा करण, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातों में स्वार्थ है, हाँ, तो एक बात सुन ले कान खोल के।
तू जानता है कि सवेरे सवेरे सूर्य उदय होने से पहले तुम्हारे पास में कोई दान मांगने आता है, तो एक ही चीज मांगूंगी। मैं जो भी मांगोगी वही दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरा दुनिया में नाम है, मने आज तलक अपने दर पे हेरी री 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 हेरी री 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 मने आज तलक अपने दर पे कोई खाली ना लौटाया। पीक गाल दे जोड़ी में मने यो पल्ला फैलाया। पीक गाल दे जोड़ी में मने यो पल्ला फैलाया। तुम्हारी झोली में वही मिलेगा जो तुम मांगोगी, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। कौन सा? मैं दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, मांग ले और बताया। की जान बकस दे कर दे मन का छाया। मेरे बेटे की जान बकस दे कर दे मन का छाया। तुम्हारे बेटों की जान बकस दूं? हाँ। मैं तुम्हारे बेटों की जान लेने वाला कौन होता हूँ महारानी कुंती, और मैं कैसे तुम्हारे बेटों की जान बकस दूं? कुछ बात समझ में नहीं आई तेरी? तुम्हें समझ में नहीं आई? हाँ, लेकिन मुझे सब बातें समझ में आती हैं। कैसे? क्योंकि एक काम कर दे। कौन सा? या तो दुर्योधन का साथ छोड़ दे। मैं दुर्योधन का साथ, मैं मर सकता हूँ, मैं सर कटा सकता हूँ, तुम्हारे मांगने पर सर काट करके तुम्हें तुम्हारी झोली में दे सकता हूँ, लेकिन मैं मरते दम तक अपने यार दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तुम साथ नहीं छोड़ सकते? नहीं। क्यों नहीं छोड़ सकते? धीरज धर्म मित्र और नारी समय में परखी जैसे सारी। दुर्योधन मेरा सखा है, मेरा यार है, मेरा मित्र है, मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे मोड़ पर अपने यार का साथ दूं, चाहे चंद्रमा चाहे सूर्य अपनी तपन छोड़ दे, चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, चाहे हिमालय अपनी जगह छोड़ दे, चाहे गंगा अपनी धारा का रुख मोड़ दे, लेकिन ये करण मर सकता है, लेकिन अपने यार दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। बेटा करण, अब भी सोच लो, क्योंकि वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है। महारानी कुंती, मुझे धर्म और अधर्म से मतलब नहीं है, मुझे तो अपने यार से मतलब है। अगर तुम्हें तुम्हारे यार से मतलब है, हा? अगर तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहते, तो मुझे वो 5 शक्तियां दे दो जो गुरु परशुराम जी ने तुम्हें दी। या तो मैं दुर्योधन का साथ छोड़ देता, या फिर गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण तुम्हें तुम्हारी झोली में दे दूं। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी, ये करण गुरु परशुराम की दी हुई शक्ति, गुरु परशुराम के दिए हुए बाण, महारानी कुंती तुम्हें तुम्हारी झोली में दान में देता हूं। लेकिन एक दर्द है मेरे सीने में कि इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई हो, इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई हो, जिन बाणों का गर्व मुझे वो बाण मांगने आई हो। कितने बेटे हैं तुम्हारे? 6। जब 6 बेटे हैं तुम्हारे, जब 6 बेटे हैं तुम्हारे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई हो, और बाणों का तो जिक्र करण की तुम जान मांगने आई हो, तुम जान मांगने आई हो। क्या करें, मैं तो तुझे समझाने आई थी। तुमने 5 बाण मांग करके अच्छा नहीं किया महारानी कुंती। क्यों नहीं किया? लेकिन जाओ, तुमने मांगा मैंने दिया, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू।